Hey there everyone, welcome back to Sabro's Kitchen. आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई. बहुत ही यमी यमी टेस्टी रेसिपी, बहुत ही लजीज, बिल्कुल ही या तो ढाबा स्टाइल कह लीजिए या कह लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल. बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाने में भी बिल्कुल ही आसान है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए. तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले ली है और उसे धो के साफ करके मैंने ले लिया है. अब इस चिकन को हम करेंगे मैरिनेट. तो यहाँ पे मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर. इसके साथ ही हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे. तो जितना नमक आपको सब्ज़ी में डालना है वो इसी वक्त डाल लीजिएगा और इसको कर लेंगे मिक्स. तो ये हो जाएगी मैरिनेट और इसको मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट इसको रख देंगे साइड में मैरिनेट होने के लिए. तो ये मसालों को मैंने अच्छे से चिकन में मिक्स कर लिया है. इसको रख देते हैं साइड में और दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और यहाँ पे हमें कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं. तो जो चिकन कढ़ाई मसाला है वो हम होम मेड ही बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने कुछ सूखी लाल मिर्च ले ली है, इसके साथ एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच सौंफ ले ली है, इसके साथ ही 10-12 काली मिर्च ले ली है और एक चम्मच ले लिया है साबुत धनिया, इसके साथ ही 2-4 लौंग ले ली है. इन चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है. तो ये चिकन कढ़ाई मसाला हम घर में ही रेडी करेंगे. इसमें अलग से कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करने वाले हैं, कोई भी चिकन मसाला, कुछ भी नहीं. तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया है. इसमें से महक आने लगी है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है. तो इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको पाउडर करके पीस लेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है मिट्टी की, इसमें डालेंगे घी और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बटर. तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं. तो बटर और घी को होने देंगे मेल्ट अच्छे से, और जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था. तो ये चिकन सारा ही मैंने इसमें डाल लिया है. फ्लेम को इस वक्त मैंने लो रखा हुआ है और इस चिकन को हम इस ऑयल मतलब कि घी और बटर के साथ मिक्स कर लेंगे. तो फ्रेंड्स, इसे 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे अच्छे से ताकि घी और बटर का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए और ये पानी रिलीज करना स्टार्ट करे. अब हम इसे कवर कर लेंगे और कवर करके 5 से 10 मिनट इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम रहने देंगे. तो करीब 7 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है और आप ये देखिए, इसने बिल्कुल ही पानी छोड़ दिया है और ये श्रिंक यानी सिकुड़ चुकी है. इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मसाले. तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने, और ये जो हमने मसाला रेडी करके रखा था ना उसको मैंने पीस लिया है, उसको भी डाल देंगे इसमें. अब इन सारे मसालों को हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए. और फ्रेंड्स, आप कलर देख सकते हैं अभी ही कितना प्यारा कलर आ गया है इसका. तो इसको अच्छे से हम मसाले को भी भून लेंगे घी और बटर में. तो ये अच्छे से भुन चुके हैं. अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जो है वो चिपके नहीं पैन में यानी कि कढ़ाई में, और इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लेंगे और इसको रखेंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए. तो फ्रेंड्स, 10 मिनट रखना है लेकिन बीच बीच में आप 3-4 मिनट के बाद चलाते रहिए. और ये देखिए, पानी मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने थोड़ा और पानी डाला है ताकि मसाले चिपके नहीं. फिर से कवर करेंगे और इसको कुक होने देंगे. तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑलमोस्ट 90% गल चुकी है. अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में कट किए हुए, साथ ही में मैं 2 स्लाइस्ड ग्रीन चिलीस यानी कि हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसका तीखापन बढ़ाने के लिए. अगर आप तीखा नहीं खाते, कम खाते हैं, तो ग्रीन चिली को आप स्किप कर सकते हैं. टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो इस वक्त आप ऐड कर दीजिए. और टमाटर को इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से.
और अब इसे हम कर लेंगे कवर और इसको पकाएंगे कब तक, जब तक कि टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई में करीब 5 मिनट मैंने इसे रहने दिया था ऐसे ही, और ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन टमाटर को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम के छोटे बड़े जैसे आप चाहे वैसे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज। तो प्याज की इस तरीके से मैंने लेयर्स अलग कर ली है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और एक कैप्सिकम ली है। अब इसे भी इन मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे कवर करेंगे और इसे 5 मिनट पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है चिकन कढ़ाई की। अब ऊपर से डाल देंगे दही। तो ये घर की फ्रेश दही है, दही को फेंट लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। और अब इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट हमें पकने देना है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने 2 मिनट रहने दिया था लो फ्लेम पर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिरिस्ता, यानी कि ऑनियन फ्लेक्स है ये। ये रेडीमेड वाली है, अगर आप चाहे तो प्याज का बिरिस्ता बना के उसको भी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं टोटली, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम मलाई। आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में मलाई है तो उसी का यूज़ कीजिए। इसके साथ ही डाल देंगे करीब 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी। मलाई यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच डाली है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है थिक रखी है, अगर आप चाहें तो इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसे फिर से कवर कर लेंगे और 2 मिनट फिर से इसको कुक होने देंगे। तो ये रेडी है फ्रेंड्स, हमारी चिकन कढ़ाई बनकर। गैस को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है इसलिए अभी भी इसमें बबल्स आ रहे हैं। इस पे डाल देंगे हरा धनिया और ये हमारी चिकन हांडी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। बस जो भी है कवर करना है पकाना है, कवर करना है पकाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है बनाने में और बहुत ही यमी बनती है। और इसमें हमने घर में पिसे हुए मसाले डाले हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।